अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग एसएस गुड फॉर्म पर शाहिद भाई के साथ। दोस्तों आज स्पेशली जो लोग बर्बेरी लवर्स है, जो पुराने शौकीन है, जो बर्बेरी तैयार करना जानते हैं, जो बर्बेरी को तैयार देखना पसंद करना जानते हैं, तो भाई ऐसे लोगों के लिए खास वीडियो है आज। माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे रहेंगे शाहिद भाई के पास, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो पूरी देखिए। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई जैसे मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में, सही मायने में जो पुराने शौकीन होते हैं बर्बरी के, आज उनकी तबीयत खुश होंगे इंशाल्लाह। हाँ भाई, माशाल्लाह जरूर लिखना भाई आज। माशाल्लाह जरूर लिखना, एक से एक फुटबॉल से फुटबॉल बच्चे दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज कितने जानवर दिखाने वाले शाहिद भाई आज? 5-8-10 बताएंगे भाई। 8-10 बर्बरी में जो असली मजा आता है शाहिद भाई, जो उनकी फुटबॉल बनते बच्चे, ये एज में जो बनने, उसकी बात। इनका फ्यूचर तो बहुत आगे है माशाल्लाह, अच्छा है। अभी तो बच्चे कितने महीने का सोचेंगे, सुनेंगे तो लोग कंफ्यूज होंगे। सही है, तो भाई इससे शुरुआत करेंगे हम। बच्चे टोटल कितने रहेंगे शायद भाई? ऐसे तैयार बच्चे तो 3 है, 3 बच्चे हैं, बाकी एक बकरी, 4 बच्चे। ठीक है, देखने आना है तो कहाँ पर आपका एड्रेस? ये औरंगाबाद में भावसिंहपुरा, भीमनगर भावसिंहपुरा। ठीक है, चलो इससे शुरुआत करेंगे। क्या उम्र से ही शुरुआत करेंगे पहले शाहिद भाई? जैसे आपने बताया कि क्या उम्र का बच्चा है? ये 4.25 महीने का बच्चा है। 4.25, एकदम ऑथेंटिकेट उम्र है उसकी? उसका ये मिल जाएगा। ओके ओके। भाई 4.25 महीने में, दोस्तों मैंने जैसा कहा कि भाई बर्बरी का मजा है उसपे तैयार होने पे, तो भाई ये बच्चा देखिए किसको तैयार करना है। लाइन वाइन से शाहिद भाई? हाँ भाई, पर्सनल में बता दूंगा लाइन कौन सी क्या है। अच्छा भाई, चेहरा देखे बच्चे का, सिक्का देखे, ये सिक्के बता रहा है किसी को ब्रीडिंग के लिए एक बकरा चाहिए। दोस्तों ये बच्चा लेकर जाइए आप लोग, क्योंकि हर चीज में बच्चा पास है, जैसे इसका वेट हो गया, साइज हो गया, कान, सिक्के। भाई वेट अभी आएगा उसका 25 किलो के आसपास आएगा। 25 किलो के आसपास आ जाएगा वेट। और भाई नस्लों वाली चीज जो होती है देखने पे समझ में आती है। समझ में, देखो उसकी साइज, देखो, उठाओ उसको हाथ में, आपके हाथ में समझ में आएगा। 25 किलो बैठेगा इंशाल्लाह, 25 किलो के अंदर बाहर है भाई। अच्छा साइज देखो, लेंथ देखो दोस्तों इसकी, माशाल्लाह। कान पूरे ओमानी टाइप भाई। मैं बोलता हूँ ना भाई, मैं खुद एक शौकीन हूँ बर्बरी का, ये ऐसे बच्चे पसंद आते हैं बर्बरी में। हाँ भाई, क्या उसका गला है, तैयारी बहुत आला चीज। रेट बता रहे हो साइज भाई? नहीं भाई, पर्सनल पे रहता हूँ, कॉल पे बता नहीं। चलो ये पहला बच्चा है दोस्तों, आगे और भी बच्चे है, इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं शाहिद भाई के साथ। शाहिद भाई एक और भाई तूफानी चीज माशाल्लाह। हाँ भाई, ये भी सेम उम्र का है शाहिद भाई? सेम है। दोस्तों अगले साल के लिए तुम ये 3-4 जो भी बच्चे रहेंगे ये तैयार करो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सिंह के मामले में, वजन के मामले में, बहुत वजन के मामले में तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जाएंगे बच्चे इंशाल्लाह। 4 महीने ना इसकी गल्ला पट्टी, कितनी उम्र बोले थे? 4.25 महीने, 4.5 महीने के पकड़ो भाई। बहुत बेहतरीन भाई माशाल्लाह, इसका गला देखो, उसका चेहरा देखो भाई, एक एक बच्चे जो बच्चे है, ये बच्चा देखो, और ये उससे भी मतलब अच्छे साइज में, अच्छे साइज में वो बच्चा तो माशाल्लाह ही है, लेकिन हाँ। ये बच्चा और भी उससे अच्छा साइज में है। हाँ भाई, सुभान अल्लाह। गला मां देखो इसका भाई, बेहतरीन। बर्फी के टुकड़े शायद भैया। हाँ भाई, एक से एक चीज है भाई। देखिए आपके वाले साहब का कहना है कि भाई हलवाई की दुकान चालू, भाई चीज ही ऐसी है कि भाई हलवाई भी पसंद कर ले इन्हें। हलवाई खुद मानेगा कि भाई ये है, हलवाई खुद माने कि भाई ये लड्डू है, लड्डू खूबसूरत चीज भाई। इसको कलर भी देखो माशाल्लाह बहुत है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। असल में थोड़ा डर रहे भाई, खुल के नहीं बता रहे। नहीं बच्चों हाथ में लो आप, अभी साइज दिखाएंगे उसका, ये देख। सेम वेट पे होगा या थोड़ा ज्यादा रहेगा उससे? थोड़ा ज्यादा रहेगा मेरे अंदाज से भाई। भाई ये जो भी वेट बोल रहे ना अपन ने, ये सब अंदाजा रहेगा। हैवी बच्चे बहुत। हाँ भाई हैवी बच्चे, बहुत बेहतरीन। ये दूसरा बच्चा दोस्तों आगे, और है नर और है और चलेंगे। ठीक ठीक है शाहिद भाई, ये भी उन्हीं के साथ है, इसकी भी सेम उम्र है भाई माशाल्लाह। भाई फ्रेम स्ट्रक्चर देखे, पंच मारने काम का बच्चा है, पंच में बहुत अच्छा बन जाएगा भाई, बहुत अच्छा बन जाएगा। लेंथ का बात क्या? इसकी लेंथ देखो, लंबा एकदम, लंबा है, लंबा एकदम। ये जो सानियन में लेंथ आती है बच्चों में ना, वो लेंथ का बच्चा है देखो ये। हाँ भाई, एकदम लंबा बच्चा है माशाल्लाह। भाई लोगों की पसंद होती है खास तौर से कुर्बानी के लिए ऐसे बच्चे। हाँ भाई, अगले साल के वास्ते जी। और बर्बरी बनते लोगों ने तो देख ही लिया, देख लिए कि कैसे बनते बर्बरी।
और ये बच्चे का फ्यूचर माशाल्लाह आप पे डिपेंड करता है, कैसे बनाओगे आप खुराक के ऊपर। जी बिल्कुल, बहुत तगड़ा बच्चा है भाई माशाल्लाह। ये फ्रेम तीनों से, दोनों से बड़ा फ्रेम इसका, बड़ा फ्रेम है, वेट थोड़ा बड़ा है भाई। सही है, हाइट लेंथ में बड़ा है। हाँ भाई, बहुत खूबसूरत। और ये बनेगा ना एकदम गोल मटोल लगेगा एकदम, एकदम लेंथ में, लेंथ के वजह से एकदम कमान वामान आ जाएंगे जो सोजत बनते थे। हाँ। सोजत खस्ती जो सोजत, बहुत बेहतरीन। सिंगल सिंगल मिल जाएंगे ना शायद भी बच्चे? हाँ भाई, सब सिंगल मिल जाएंगे। दोस्तों ये तीन बच्चे है, देखे तीनों बच्चे एक साथ कोई उठाता है तो कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ, हो जाएगा भाई इंशाल्लाह। ये एक, दो, ये तीन। दोस्तों नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार करिए आप लोग माशाल्लाह, अच्छी चीज है। और बरबरी में काफी मुश्किल से ऐसे बच्चे आते, शानदार। शाहिद भाई क्या दिखाना है आगे? और भाई है और बच्चे, और बच्चे है क्या? हाँ। चलेगा, लाइए। शाहिद भाई आगे और दो बच्चे है। हाँ भाई। हाँ, क्या उम्र के बच्चे है ये? ये तीन तीन महीने के बच्चे है। ये तीन तीन महीने के? हाँ। और वो बच्चे चार चार महीने के? चार महीने के। सिलाई किलाई पे डिपेंड है ना भाई? जी जी, बहुत अच्छी चीज है ये भी। चलो, कलर के नाम, ये कलर के नाम पे बच्चे देखो दोस्तों, इनके कुछ है शायद भाई बाप वगैरह के? अच्छे लाइन से आ रहे। अच्छा, बाप बोले तो अच्छा है, ब्लड लाइन का है। अच्छा, तीन तीन महीने के ना? चारा चुन्नी पे सेट है शायद भाई दोनों बच्चे? हाँ, चुन्नी चारे पे सब सेट। ओके, बच्चों की क्वालिटी देख लीजिए दोस्तों। आपको सिंगल सिंगल देना है या जोड़ी में देना शायद भाई? जोड़ी में लिए तो बहुत अच्छी बात है, सिंगल सिंगल में मिल जाएंगे। सात के पले वही है? हाँ भाई। ठीक, दोनों मेल है ना ये? दोनों मेल। चला उसको इधर। ठीक, एक्टिव बच्चे है दोनों भी। हाँ भाई। ठीक, सिंगल सिंगल भी मिल जाएगा बोल रहे ना? हाँ भाई। ओके चलो, आगे कितने जानवर है भाई? तीन चार और बता। शायद भी आगे और बच्चे, बच्चे बहुत सारे लेकर आए इस बार। हाँ भाई। जोड़ी है ये? हाँ जोड़ी है। इसकी क्या उम्र है शायद भाई? ये तीन तीन महीने के बच्चे। अच्छा, ये तीन तीन महीने के। दोस्तों कंडीशन देखे बच्चों की माशाल्लाह, बहुत अच्छी कंडीशन में। ये भी चुन्नी चारे पे सेट है शायद भाई? हाँ भाई। ये फीमेल है ये वाली? हाँ, ये लेफ्ट वाली फीमेल। हाँ, और ये मेल है? ये मेल। ये मेल की लेंथ वगैरह देखो दोस्तों, लेंथ में अच्छा है। फीमेल की कान क्वालिटी भी देख लीजिए। तो ये जोड़ी में देना है या सिंगल सिंगल देंगे? जोड़ी में देंगे भाई। अच्छा, जोड़ी में देंगे। फीमेल का उठा उठा हाथ में थोड़ा सा, दिखा उसको दोनों तरफ से। ठीक, और ये वाला मेल है। हाँ। कानवान में अच्छे दोनों बच्चे, कानवान में, सींग में भी अच्छे। औरंगाबाद क्लाइमेट के शायद अपने? हाँ भाई। ठीक, ये बोले तो अपने पास से गए हुए थे। अच्छा, ठीक। चलो दोस्तों, किसको शौक से पालना है, बच्चे देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी और अच्छी कंडीशन के बच्चे। चलिए आगे के जानवर दिखाते शायद में। हाँ भाई। शायद भाई आगे एक फीमेल भी है शायद भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छे साइज की है। हाँ भाई माशाल्लाह। क्या उम्र है इसकी, क्या दांत है इसके भाई? दो दांत त्रिवास हो गई। अच्छा, दो दांत तोड़ दी है। हाँ। भाई बच्चे देखे भाई माशाल्लाह, लाइन लगा दी है इसने बच्चों की। हाँ भाई, चार बच्चे, चार बच्चे। बरबरी में शायद भाई तीन बच्चे चार बच्चे अभी बहुत रेयर हो गया, बहुत इजीली अपने पास। पहले भी चार बच्चे, पहले चार बच्चे तीन बच्चे बरबरी में कॉमन चीज थी। हाँ भाई। लेकिन अब बहुत ज्यादा खुराक बढ़ाएंगे, जैसी पेटी बढ़ेंगे वैसे बच्चे बढ़ेंगे, रेयर हो गया। अभी फिलहाल नस्ल जो है ना बहुत खत्म हो चुकी, उस वजह से अब ब्रीडिंग भी काफी कम हो गई अभी बकरियों की। हाँ भाई, और ऐसी फ्रेम के माध्यम से ही अभी लोगों के पास, पहले ऐसे लगे जितने मिलते थे। मसला ऐसा हो गया कि अभी आज एकदम छोटे छोटे बेंटम के साइज के फीमेल हो गए, कॉम्पैक्ट साइज की बकरिया हो गई है। तो ये दो दांत रिवर्स है, कानवान में सिक्के देखो इसके, एकदम खड़े सिक्कों में। हाँ भाई। और फ्रेम उतरा नहीं है जरा सा भी चार बच्चे देने के बाद? नहीं भाई, जैसी है वैसी है बिल्कुल। चारों बच्चों का दूध पुर जाता होगा शायद भी? हाँ भाई, पुर जा रहा है क्योंकि दूध तो माशाल्लाह नजर आ रहा है। बच्चे कितने मेल है कितने फीमेल है? चारों मेल है भाई। अच्छा, चारों भी मेल है, लॉटरी चारों। अगले साल के लिए है ये? हाँ भाई, ईद उल अज़हा के लिए। दोस्तों चारों बकरे हैं इंशाल्लाह। देखिए अब बच्चे दिखाओ हाथों में थोड़े से, और एक्टिव बच्चे कितने दिन के है ये भाई? ये पांचवें दिन का बच्चे। अच्छा, पांच पांच दिन के। ठीक है, ये दो मेल। ठीक है, वो दूसरे दो बताओ। ये बाहर सेफली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे कोई मंगाता है तो? हाँ भाई, एकदम आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ये दो बच्चे देखे दोस्तों, और ये एकदम दो बोले तो महाराष्ट्र और ये आसपास में, एकदम बाहर नहीं है कोलकाता। लगभग सारे एक जैसी है कि भाई, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा छोटे नहीं, सारे एक जैसे बच्चे। हाँ भाई, और ये हैदराबाद साइड में भी हो जाएगा भाई ट्रेन से, और यहाँ से वो बाहर के लिए बॉम्बे से डबल ट्रांसपोर्टेशन में नहीं होगा, डबल ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक, सिंगल जहाँ तक गाड़ी जा सकती हो जाएगा, है ना? हाँ भाई। चलो ठीक, कितने जानवर रह गए शायद भाई?
भाई हर एक दो बता दे। इसको इधर से दिखाओ थोड़ा, ये बकरी को वो साइड से दिखाओ। ठीक, दूध दूध की देखे दोस्तों, कान वान की देखे, माशाल्लाह बड़े जंबो साइज की बकरी है भाई। हर बारी को तीन बच्चे चार बच्चे देती है। अच्छा, हर बार को तीन चार बच्चे देती है। ओके, चलेगा शायद भाई, आगे के जानवर दिखाते हैं। हाँ भाई ठीक है। शायद भाई एक और मेल है, आज मेल बहुत सादे है शायद भाई। हाँ भाई अभी मेल। क्या उम्र का बच्चा है ये भाई? ये छह महीने का बच्चा है। छह महीने का बच्चा है। हाँ ठीक, फ्रेम इसका भी बड़ा है काफी। हाँ भाई, सिक्के वगैरह देखो दोस्तों आप लोग इसके। हाँ भाई, कान वान का भी अच्छा है माशाल्लाह। फ्रेम खास तौर से दिख रहा हूँ मैं, अच्छा लंबा बच्चा है। हाँ लंबा बच्चा है। बाकी इंशाल्लाह आगे खुलेगा तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ अच्छा बनेगा। सारे चुन्नी पे एकदम सेट है शायद भी। हाँ भाई, मांडी वांडी भी एकदम चिकनी है, ऐसा लग रहा है जैसा ट्रिम मारी हुई लेकिन एकदम चिकनी है। नहीं चिकनी है, तो ये जूनी नस्ल में का बच्चा है भाई। सही। एक और बच्चा है दोस्तों नेक्स्ट ईयर के लिए, किसको तैयारी के लिए चाहिए तो आप लोग बच्चा देख सकते हो, अच्छे आउटलाइन का खुलेगा तो इंशाल्लाह और अच्छा लगेगा। ठीक, इसके बाद कितने जानवर दिखाना शायद हो गए भाई, लास्ट है। अच्छा ये लास्ट है, आखिरी है। वैसे स्टॉक तो अवेलेबल रहता है भाई। चलेगा, बहुत अच्छे जानवर दिखाए शायद भाई आज, इंशाल्लाह ऐसे ही लोगों को आगे शौक करवाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।